हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड कोकोनट टोस्ट। ये एक बहुत ही अच्छी स्वीट डिश है और बहुत ही कम सामान इसके लिए हमें चाहिए। देखिए, इसके लिए मैंने लिया है आधी कटोरी चीनी, 3-4 ब्रेड और ये कोकोनट पाउडर, और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसके लिए अब सबसे पहले हम अपनी चाशनी तैयार करेंगे। तो हम गैस जला देते हैं। और ये हमने आधा कटोरी चीनी इसमें डाल, और इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी पानी। अब हम ये चीनी घुलने तक इसको पकाएंगे। 5-10 मिनट में ये चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। इसके लिए हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है हमारी थोड़ी सी चीनी मेल्ट हो जाए। अब हम इसे 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हम लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए, चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब चाशनी को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इस तरह ही हमारी चाशनी तैयार है। इसे हम उतार देते हैं और हम अपना अब तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। ये हम इसमें तेल डाल देंगे और जब तक ये तेल गर्म होता है तब तक हम अपनी ब्रेड को स्लाइस करेंगे। ये देखिए, क्योंकि ये ब्रेड कोकोनट टोस्ट है तो हम इसको एक स्टिक की शेप में काटेंगे। वैसे आपकी इच्छा है, आप अपनी चॉइस के अनुसार कैसी भी शेप में काट सकते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, लेकिन मैंने इसको इन लंबे पीसेस में काटा है। अब हम इसको, तेल गर्म हो जाए तो हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए, तेल भी हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें अपने ये ब्रेड पीस डाल देंगे। और इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन, ये देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और गैस अपनी ऑफ कर देंगे। अब ये देखिए, हम अपने फ्राई किए हुए ब्रेड के पीस को चाशनी में डालेंगे। इसमें हमें इनको ज़्यादा देर डिप नहीं करना है, बस थोड़ा सा चाशनी इसके अंदर चली जाए। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में और इसको हम अपने घर पे इजीली तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से थोड़ा डिप हो गया है। अब हम इसको इसमें से निकालेंगे और ये जो हमारा नारियल का बुरादा है, हम इसमें इसको अच्छे से लपेट देंगे। आप चाहें तो नारियल के बुरादे में कोई भी खाने वाला कलर मिला के इसको रंग बिरंगा बना सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह हमने सभी पीसेस को अपना नारियल के बुरादे में लपेट लिया है और ये एक बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश हमारी तैयार हो गई और बहुत ही कम समय में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड कोकोनट टोस्ट। ये एक बहुत ही अच्छी स्वीट डिश है और बहुत ही कम सामान इसके लिए हमें चाहिए। देखिए, इसके लिए मैंने लिया है आधी कटोरी चीनी, 3-4 ब्रेड और ये कोकोनट पाउडर, और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है।
इसके लिए अब सबसे पहले हम अपनी चाशनी तैयार करेंगे। तो हम गैस जला देते हैं। और ये हमने आधा कटोरी चीनी इसमें डाल दी। और इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी पानी। अब हम ये चीनी घुलने तक इसको पकाएंगे। 5-10 मिनट में चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। इसके लिए हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हमारी थोड़ी सी चीनी मेल्ट हो जाए। अब हम इसे 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हम लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब चाशनी को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इस तरह ही हमारी चाशनी तैयार है। इसे हम उतार देते हैं और हम अपना अब तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। ये हम इसमें तेल डाल देंगे और जब तक ये तेल गर्म होता है तब तक हम अपनी ब्रेड को स्लाइस करेंगे। ये देखिए क्योंकि ये ब्रेड कोकोनट टोस्ट है तो हम इसको एक स्टिक की शेप में काटेंगे। वैसे आपकी इच्छा है, आप अपनी चॉइस के अनुसार कैसी भी शेप में काट सकते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, लेकिन मैंने इसको इन लंबे पीसेस में काटा है। अब हम इसको तेल गर्म हो जाए तो हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए तेल भी हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें अपने ये ब्रेड पीस डाल देंगे। और इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन, हाँ ये देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और गैस अपनी ऑफ कर देंगे। अब ये देखिए हम अपने फ्राई किए हुए ब्रेड के पीस को चाशनी में डालेंगे। इसमें हमें इनको ज़्यादा देर डिप नहीं करना है, बस थोड़ा सा चाशनी इसके अंदर चली जाए। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में और इसको हम अपने घर पे इजीली तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये अच्छे से थोड़ा डिप हो गया है। अब हम इसको इसमें से निकालेंगे और ये जो हमारा नारियल का बुरादा है हम इसमें इसको अच्छे से लपेट देंगे। आप चाहें तो नारियल के बुरादे में कोई भी खाने वाला कलर मिला के इसको रंग बिरंगा बना सकते हैं। और ये देखिए इस तरह हमने सभी पीसेस को अपना नारियल के बुरादे में लपेट लिया है और ये एक बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश हमारी तैयार हो गई और बहुत ही कम समय में।